बुलंदशहर नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध स्विमिंग पुल पर प्रशासन ने की कार्रवाई। बिना मानक और पंजीकरण के संचालित हो रहे पुल को किया गया सील। नोटिस देने के बाद भी बिना मानकों के संचालित था अवैध स्विमिंग पुल। सिटी मजिस्ट्रेट व क्रीड़ा अधिकारी ने टीम के साथ पहुंचकर की कार्रवाई। जिले भर में अन्य स्विमिंग पुल संचालकों को किया गया चिन्हित। नोटिस जारी होने के बाद अवैध पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। खुर्जा दया क्षेत्र के हाईवे 34 चितौला पुल के निकट संचालित स्विमिंग पुल पर की गई कार्रवाई। स्विमिंग पुल को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर जनपद सहित खुर्जा क्षेत्र में भी धड़ाधड़ अवैध रूप से स्विमिंग पुल बनाए गए हैं, जो बिना मानकों और सुरक्षा नियमों के संचालित किए जा रहे हैं। इस दौरान स्विमिंग पूल में आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिसे स्विमिंग पूल संचालक दबा देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, खुर्जा नगर के एक स्विमिंग पूल पर प्रशासन ने पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान स्विमिंग पूल में नहा रहे छोटे छोटे बच्चे वे लोगों को बाहर निकालकर स्विमिंग पूल पर सील की कार्रवाई कर दी गई है। इस दौरान हरिओम से बात कर लो, हरिओम से फोन करके ऊपर वो ले लेंगे। सर, एक स्विमिंग पूल पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है, सर क्या पूरा मामला है? इधर कुछ देखा गया कि स्विमिंग पूल में अवैध स्विमिंग पूल चल रहे थे, जबकि शासनादेश के अनुसार उनका पहले पंजीकरण होता है और बिना पंजीकरण के चल रहे थे। और जो उसके सुरक्षा नॉर्म्स होते हैं, हर एक स्विमिंग पूल के कुछ दिशा निर्देश होते हैं और शर्तें होती हैं। जिन स्विमिंग पूल द्वारा वो शर्तें नहीं पूरी की गई थी, उनको नोटिस पहले दिया गया था, इसके बाद भी नहीं पूरी की गई तो उनको आज सील कर दिया गया। जिले में और भी इस तरीके के स्विमिंग पूल? हाँ, उनका सभी का चिन्हीकरण हो रहा है और उनको नोटिसें दी जा रही हैं। और उनके भी अगर वो अवैध पाए गए और उनके द्वारा पंजीकरण नहीं है, तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी।